अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। आज का व्लॉग मैंने अपने बेटे मिकाया से शुरू मुसव्वर से शुरू किया, जो आज दर गुरुद्वारे हो गया था। और यहाँ पे मैं सबके साथ सबसे पहले शेयर करूँगी रमज़ान का दूसरा अशरा, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरे अशरे का साथ साथ 11वां रोज़ा है, जो सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और हमेशा की तरह मैं इफ्तारी के साथ आप लोग के साथ आ गई, और यहाँ पे मैं बस इफ्तारी में जल्दी से बना रही थी गोश्त का पुलाव, और साथ में मैंने मीठा बनाना था मतंजन। आज मेरी बेटी अरीशा और बेटे रेहान का भी रोज़ा था, तो बेटा कहता था कि मैंने पुलाव खाना, उसको पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो बच्चों की या जो बच्चों का रोज़ा, तो इनकी फरमाइश में कुछ अच्छा हो जाए। तो यहाँ मैं बस जल्दी से आगे पुलाव बना रहा था। इससे पहले मैं बाज़ार गई थी, ग्रोसरी की थी, जो हर घर की रोज़मर्रा की ग्रोसरी होती है वो मैंने नहीं रिकॉर्ड की, उनको बस आके मैंने डिसइंफेक्टेड किया सारा। और मुझे करते 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 5:30 हो गए, और जो रोज़ा था वो 8:30 खुलना था, 8:42 पे खुलना था, और मैंने आके फटाफट से सारे काम करने थे। तो यहाँ मैं बस भागा दौड़ लगी हुई हूँ, साथ में मैं लॉन्ड्री भी कर रही हूँ, साथ में मैं ये सब कुछ संभाल रही हूँ। और यकीन करें मैं इतनी थक गई हूँ ना, रोज़ा तो लगा नहीं लेकिन वैसे थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो साथ मैंने कहा चलो फ्रूट चाट बना लूँ, क्योंकि मेरी डाइट में है आज थोड़ी सी चाट। तो मैंने कहा मैं अपने लिए जो कैन खोलूँगी तो वो फिर बाकी किचन में क्या करूँगी, तो मैंने घर वालों को भी बना दिया। तो वेदर देखिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ज़बरदस्त ग्लासगो का वेदर है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन अच्छा वेदर था, बहुत अच्छा था। रात में ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो यहाँ जल्दी से मैंने आपके साथ शेयर किया मतंजन। मतंजन मैंने बनाया है, मतंजन मेरा बिल्कुल सही जा रहा था लेकिन एंड में आके गड़बड़ हो गई। मैं कलर लेके आई थी क्योंकि बेटी ज़िद कर रही थी, मामा मैंने जर्दा नहीं खाना, मैंने मतंजन खाना है। तो मेरे पास मतंजन कलर नहीं थे, वो मैं फूड कलर लेके आई। तो वो जब मैंने उसको डालने लगी ना, तो ब्लू से मैंने स्टार्ट किया, तो ब्लू थोड़ा सा ज़्यादा डल गया, लेकिन चले मैंने आपके साथ वो भी शेयर कर लिया। लेकिन यह कि शक्ल पर ना जाइए, सूरत ना देखिए, सीरत देखिए, सीरत हकीकली बाकी मौत में सीखी थी। तो मतंजन मेरा हो गया था डन, और इसके बाद मेरा जो था ये पुलाव भी ऑलमोस्ट डन हो गया था। गोश्त मेरा बिल्कुल यहाँ पे पक गया था, और बस इसमें चावल ऐड करने थे। तो ग्रोसरी हमने जब की थी तो हमें मैंगो मिल गए, और हम मैंगो लेके आए थे, फ़र्स्ट टाइम हमारे घर में मैंगो आए हैं, जो मैंने अभी तक नहीं खाए। इंशाल्लाह मैं डाइट के बाद ज़रूर खाऊँगी। तो आज हस्बैंड कहने लगे, बच्चे कहने लगे कि हमने मैंगो का शेक पीना, तो मैंने इफ्तारी में मैंगो का शेक बना लिया था साथ में। और बस ये थी मेरी आज की इफ्तारी। शामी टिक्की बनाई थी मैंने, और ये पुलाव था, जर्दा था, और मैंगो शेक था, चाट थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, हाँ उसके बाद फिर बच्चों के कर्टन्स लाए थे कमरे के लिए, वो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपके साथ डालूंगी। अपने और बेटों के और बेटी के सबके कर्टन्स लेके आई थी, और इंशाल्लाह कल पूरा क्लीन करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे कर्टन लेके आई हूँ। और प्लस उसके साथ हम लोगों ने लिया एक लाइटिंग एक्वेरियम, जो आ गया आपको मेरी वीडियो में नज़र आएगा। तो वो बस मैंने आज थोड़ा सा चेंज किया था, आप देखिएगा मेरी इफ्तारी के बाद की मेरी कैसी रूटीन होती है। सारी क्लीनिंग करके थक जाता है बंदा, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है इस टाइम वॉइस ओवर करने की। मैंने कहा नहीं, आज का वीडियो तो मैंने डालना ही डालना है, क्योंकि कल की भी एक रेसिपी मेरी बड़ी बिंदास आ रही है, और वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो मेरी बेटी की फरमाइश में बना रही हूँ। तो उम्मीद है मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपना प्यार दीजिए ढेर सारा। कॉमेंट्स करके बताइए कैसे है, और जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि चलो वो मेरी वीडियो को देखते नहीं, देख भी लें तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन वो मुझे हर वीडियो में कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं, तो उनका दिल से शुक्रिया बहुत बहुत ज़्यादा कि आप लोग चलो मुझे कर लेते हो। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बस इफ्तारी की ये थोड़ी सी तैयारी कर रहे थे। आज मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा, मैंने कहा यार आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो आप प्लीज़ करो, और वैसे भी करना चाहिए, बच्चों से भी करवाना चाहिए और हस्बैंड से भी कराना चाहिए। ये स्वाब होता है रमज़ान में, हर घर में हर आदमी को करना चाहिए, अपनी वाइफ का साथ हेल्प करनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ से लेती हूँ आपसे इजाज़त, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई हूँ, इसको एडिट करूँगी मैं। तो अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, फिर इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ, एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ, एक नए अच्छे दिन के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।